अगर मैं आपसे कहूं कि 34 अरब 99 करोड़ 21 लाख 95 हजार यानी कि करीब 420 मिलियन डॉलर्स एक इंसान एक हफ्ते में कमाता था तो शायद मेरा और आपका यकीन करना मुश्किल हो सकता है। सोचो एक ऐसा इंसान था जिसने पैसे ना होने की वजह से अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन कुछ सालों के बाद में ये इतना अमीर बन जाता है कि हर महीने 9 लाख रुपए सिर्फ रबड़ बैंड्स पर खर्च करता था जिससे ये अपने पैसे बांध पाए। एक समय पर फेक डिप्लोमा डिग्रीज, फेक लॉटरी टिकट्स बेचने वाला, गाड़ी चुराने वाला ये इंसान एक ऐसे समय पर आ जाता है जब इसके साल की कमाई का 10% यानी कि 2.1 बिलियन US डॉलर्स मतलब कि 174 अरब इंडियन रुपीस इतने पैसे तो चूहे कुतरते थे या फिर घर की सीलन की वजह से ये खराब हो जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ अभी तक के दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया किंग ऑफ कोकेन पाब्लो एस्कोबार की। कोलंबिया का रहने वाला पाब्लो एस्कोबार दुनिया की 80% कोकेन की डिमांड पूरी करता था जिसकी वजह से इसे कोलंबियन ड्रग लॉर्ड बोला जाता था। अगर कोई इंसान बिना कुछ सही गलत सोचे समझे सिर्फ पैसे कमाने पर आ जाता है तो वो इंसान क्राइम की दुनिया में क्या क्या कर सकता है ये देखोगे आप आज इस वीडियो में। 80s के समय में कैसे एक गरीब किसान का बेटा सबसे बड़ा ड्रग ट्राफिकर बन जाता है, कैसे एक मामूली सा किडनैपर इतना पावरफुल बन जाता है कि अपने हिसाब से देश का कानून बदलवा देता है, आइए देखते हैं सब कुछ पूरी डिटेल में। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में बसा कोलंबिया एक देश है जिसके मेडलिन शहर के पास एक कस्बा है जहां 1 दिसंबर 1949 को पाब्लो एस्कोबार का जन्म होता है। असल में पाब्लो का सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करके देश के प्रेसिडेंट बने, लेकिन इनके पिता खेती से इतने कमा नहीं पाते थे कि वो पाब्लो को पढ़ा पाए। मम्मी स्कूल टीचर थी तो उनके पैसों से पाब्लो की स्कूल की पढ़ाई तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन आगे कॉलेज की महंगी पढ़ाई पूरे करने में सबसे बड़ी रुकावट जो आई वो थी पैसों की कमी। फिर पाब्लो एमिलिया एस्कोबार गेवेरिया इसने देखा कि मेरी परिवार की हालत क्या है और ऐसी हालत होने का कारण क्या है। तब गरीबी को देखकर इसने कसम खाई कि मैं 22 साल की उम्र में करोड़पति बनके दिखाऊंगा। पाब्लो ने कॉलेज के टाइम ही क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया था। पैसे कमाने के लिए कब्रिस्तान जाकर वहां की कब्रों के ऊपर जो सुनहरे पत्थर होते थे वो उन्हें निकालकर बेचता था, लेकिन इससे ज्यादा पैसे नहीं बनते थे तो उसने लग्जरी गाड़ियां चुरानी स्टार्ट कर दी। 1974 में पाब्लो एस्कोबार ने एक गाड़ी चुराई थी जिसकी वजह से ये पहली बार जेल भी गए थे। पाब्लो ने क्राइम की शुरुआत तो मजबूरी में करी थी लेकिन अब इसको मजा आने लगा। जेल में इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे एक बार में हजारों डॉलर्स आ जाए, तो इसने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। अर्ली 70s में इसके हाथ में एक बड़ा शिकार लगा। इसने कोलंबियन बिजनेसमैन डिएगो एचआरवी को किडनैप करने का प्लान बनाया और बड़ी हिम्मत दिखाकर उनकी सिक्योरिटी से लड़ाई-वड़ाई करके इसने बड़े बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया, जिसके बाद पाब्लो ने इनके घर वालों से $50,000 की फिरौती मांगी और ये पैसे इनको मिल भी गए। इतनी बड़ी किडनैपिंग के बाद कोलंबियन क्रिमिनल्स में हवा उड़ गई कि एक बहुत ही जिगरेबाज इंसान आया है। तब पाब्लो को एक जाना माना किडनैपर माना गया। जब पाब्लो मशहूर किडनैपर की जिंदगी जी रहा था तभी इसे सफेद पाउडर के बारे में पता चला। ये पाउडर था कोकीन। पाब्लो को ये दिखा कि 10 किडनैपिंग करने के बाद में जो मैं पैसा कमा रहा हूँ उतना तो पैसा इस छोटे से पैकेट को डिलीवर करने के बाद लोग उठा रहे हैं। तो पाब्लो ने एक गैंग ज्वाइन कर ली जो ड्रग डिलीवर करने का काम कर रही थी और फिर पाब्लो बड़े बड़े ड्रग डीलर्स के साथ में भी काम करने लग गया। एक दिन जब 14 किलो की ड्रग डिलीवरी करने गया तो वहां पर एक ड्रग माफिया से बहस हो गई। इस ड्रग माफिया का नाम था फेब्रियो रेस्ट्रेपो जो कि कोई आम ड्रग माफिया नहीं था, ये मेडलिन का मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड था। पाब्लो और फेब्रियो डील कर रहे थे जिसमें फेब्रियो ने इसकी बेइज्जती कर ली तो पाब्लो को गुस्सा आने लग गया, जिसके बाद में वो फेबियो को कॉलर पकड़ने लग जाता है, मारने लग जाता है। उस वक्त वहाँ करीब 10 से 12 लोग हो गए जिनसे पाब्लो अकेले ही भिड़ जाता है। पाब्लो कुछ टाइम के लिए अपना दिमाग खो बैठा था, ये गन उठाता है और फेबियो को जान से मार देता है। ये पाब्लो एस्कोबार का पहला मर्डर था। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद इसका ड्रग इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम हो जाता है। पाब्लो इस कोकीन की दुनिया में इतनी तेजी से कमा रहा था कि चारों ओर इसका दबदबा बन चुका था। मार्च 1976 इसने 15 साल की लड़की से शादी कर ली और शादी के कुछ महीनों बाद उसी साल पाब्लो ने मेडलिन कार्टल नाम का एक ड्रग बेचने वाला ऑर्गेनाइजेशन बना। ये पहला ऐसा बंदा था जो यूएस बॉर्डर के अंदर जाकर वहां के लोगों को ड्रग बेचता था, जिसका रिजल्ट ये आया कि कुछ समय में वहां के लोगों को कोकेन की बहुत ज्यादा लत लग गई और फिर पाब्लो का ये ऑर्गेनाइजेशन मंथली 70 से 80 टन कोकेन यूएस में बेचने लगा। अब हम बात कर रहे हैं 80s के समय की। तब पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर बन चुका था कि उसके खुद के पास में 20 हेलीकॉप्टर्स थे, 2 सबमरीन्स थी और 32 यॉट्स थे। जरा सोचिए, सबमरीन्स तो बड़े-बड़े देशों के पास भी नहीं होती थी, लेकिन ये अकेला इंसान इतना पैसा कमा रहा था कि इसने अपनी प्राइवेट सबमरीन्स खरीद ली थी। इन सारे साधनों को पाब्लो सिर्फ ड्रग स्मगल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा 142 एरोप्लेन्स पाब्लो के पास थे जो मदद करते थे ड्रग स्मगल करने में। पाब्लो कोकीन ट्रांसपोर्ट करने के लिए पायलट्स को पर फ्लाइट $5 लाख पे करता था। उस समय पूरे कोलंबिया में केवल 2 लेयर जेट थे जिसमें से एक पाब्लो एस्कोबार के पास था। इस जेट प्लेन को ये खुद उड़ाता था और इसके साथ ढेर सारा कैश और कोकीन रहता था। ये प्लेन अक्सर कोलंबिया से यूएस की उड़ान भरता था। ड्रग डिलीवरी करने के मामले में ये इतना दिमागी इंसान था कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ समय तक पाब्लो ड्रग को मछलियों
बच्चियों के पेट में डालकर स्मगल करता था, लेकिन इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से ये माल अक्सर पकड़ लिया जाता था, जिसके बाद में पाब्लो ने धंधे में घाटे को रोकने के लिए और पुलिस को चकमा देकर कोकीन की सेफ डिलीवरी के लिए दिमाग क्या लगाया सुनना आप। ये क्या करता था कि हम लोग जो जींस पहनते हैं उस जींस को कोकीन की लिक्विड सॉल्यूशन में डुबो देता था, जिससे कोकीन जींस में सोक्ड हो जाए और फिर जब गीली जींस सूख जाती थी तो उसे गत्थे में पैक करके एक्सपोर्ट कर लेता। और उधर दूसरे देश में इसके आदमी इन जींस को केमिकल में डुबोकर कोकीन निकाल लेते थे। ये तरीका बहुत दिनों तक चला, लेकिन जब इस तरीके के बारे में भी पुलिस को पता लग गया तब पाब्लो ने क्या किया, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। पाब्लो ने जींस को एक्सपोर्ट करना चालू रखा, बंद नहीं करा, बस अब फर्क इतना था कि कोकीन अब उस जींस में नहीं उन गत्तों में होता था जिसमें ये जींस पैक करी जाती थी। वही सेम प्रोसेस फॉलो होता था, जींस की जगह गत्तों को कोकीन के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबोकर सुखाया और फिर उसमें जींस पैक करके दे दी। पुलिस उन जींस को चेक कर रही थी जहां पर कोकीन है ही नहीं और गत्तों को फेंक देती थी। फिर वहां पाब्लो के आदमी गत्तों को कूड़ेदान से उठा करके उससे कोकीन निकाल लेते थे। इस तरह के कई पेतरे पाब्लो के पास थे जिनकी मदद से वो रोज 15 टन कोकीन यूएस में भेजने लगा था। देखो बात चल रही है बहुत पैसों की और पाब्लो एस्कोबार जितना पैसा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ हमारे पास में स्मार्ट माइंड जरूर है जिससे हम पैसा बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेबरीबेट ऑनलाइन शॉपिंग डील्स चैनल, जहां पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग पर हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे। एग्जांपल अभी जिस वक्त मैं देख रहा हूँ 3999 के बोट के वायरलेस हेडफोन आपको यहाँ पर केवल 999 मिल जाएंगे, 899 के सिस्का क्यूब ब्लूटूथ स्पीकर आपको केवल 499 मिल जाएंगे और 1599 के बोट के ईयरबड्स आपको 899 मिल जाएंगे। टाइम के अकॉर्डिंग प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं बल्कि फैशन ब्यूटी, मतलब गर्लफ्रेंड को लगेगा कि आपने काफी पैसा खर्च करा है लेकिन आपने तो वेबरीबेट यूज करा है। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और डेली रूटीन्स की चीजों पर अमेज़न फ्लिपकार्ट पर डील्स आती रहती है, ऑफर आते रहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए होती है, जल्दी से ऑर्डर ना करो तो ये मिस हो जाती है। तो यहां वेबरीबेट आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा अगर कोई भी ऑफर या डील आने वाली है। बस इनका व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लो जहां आपको डेली अमेज़न फ्लिपकार्ट ईबे सभी मार्केट प्लेस वेबसाइट्स की बेस्ट डील्स और ऑफर्स आपको ये बताते रहेंगे। ज्वाइन करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पाब्लो एस्कोबार से जुड़ा एक और किस्सा बड़ा फेमस है। इसने अपने धंधे में एक नियम बना रखा था जिसका नाम था प्लाटा और प्लोमो। इसका मतलब होता है सिल्वर और लेड, यानी कि पैसा या बुलेट। इसका सीधा सीधा हिसाब था कि अगर तुम मेरे धंधे के बीच में आते हो तो या तो तुम मुझसे घूस खा लो, मैं तुम्हें इतनी घूस दूंगा कि तुम्हारी सारी पुश्तें बैठकर खाएगी, या फिर अगर तुम मुझसे घूस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जान से मार दूंगा। पाब्लो ने इतना ब्लैक मनी कमा लिया था कि उनको रखने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए इसने 800 से भी ज्यादा घर बनवा लिए थे जहां पर ये अपना सारा पैसा रख पाए। और जब ये घर भी कम पड़ रहे थे तब इसने जमीन खुदवा कर अपना पैसा रखवाना शुरू कर लिया। इसकी अमेरिका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जो कि काफी फेमस किस्सा है, कि एक बार अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और ठंड से बचाने के लिए इसने पूरी रात 2 मिलियन US डॉलर्स आग में जला दिए, जो कि लगभग रुपीज में होते हैं 16 करोड़ रुपए। पाब्लो ने एक घर बनवाया था, उसका नाम रखा था हैसिंडा नेपल्स। ये एक लग्जरियस घर था जिसमें पाब्लो ने एक कंप्लीट जू बना रखा था। इस जू में बहुत सारे जानवर थे, डिस्टिंक्स बर्ड्स, हिप्पोपोटामस, जिराफ, इतने सारे जानवर जो कि कोलंबिया के जू में भी नहीं थे, जो इनके खुद के घर में थे। इस घर में एयरपोर्ट था, मैन मेड लेक्स थी, किसी भी चीज की यहाँ पे कोई कमी नहीं थी। पाब्लो के पास में अब तक पैसा तो बहुत आ चुका था, लेकिन ये एक बात जरूर जानता था कि अगर इसको सेफ रहना है तो सरकार इसके जेब में होनी चाहिए। तो उस समय पाब्लो ने कोलंबियन सरकार को एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हें 10 बिलियन डॉलर्स देता हूँ, जो कि रुपीज में होते हैं 80,000 करोड़ रुपए, जिससे पूरे देश का कर्ज खत्म हो जाएगा। बदले में ये सरकार को कहते हैं कि बस मेरे धंधे को आप सपोर्ट करो, लेकिन कोलंबियन सरकार ने ये ऑफर रिजेक्ट कर लिया, जो कि सही बात है, जिसके बाद इसने खुद पॉलिटिकल पावर में आने का डिसीजन लिया और अपनी मनी पावर से देश की जनता में एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करी जस्ट लाइक रॉबिन हुड। इसने बहुत से चर्च बनवाए, पार्क्स बनवाए, फुटबॉल स्टेडियम, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाए और वहां के गरीबों को मुफ्त में पैसा देना भी शुरू कर लिया। इन अच्छे कामों की वजह से 1982 में पाब्लो एस्कोबार को एज ए अल्टरनेट मेंबर ऑफ कोलंबियन कांग्रेस इलेक्ट किया गया। जैसे यहां के लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वैसे ही। यह पावर इनके पास में ज्यादा देर तक रही नहीं, 2 साल के बाद 1984 में इन्हें मजबूरन अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज वाले जनता के सामने इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को हाईलाइट करने लग गए। लेकिन इसके बाद में पाब्लो ने अपना काम और स्पीड से करना शुरू कर लिया। 1989 में फोर्ब्स ने पाब्लो एस्कोबार को वर्ल्ड का 7th richest आदमी डिक्लेयर कर लिया और इसकी नेटवर्थ बताई $25 बिलियन, यानी कि आज के हिसाब से होते हैं 1825 अरब रुपए। ये पॉलिटिकल फील्ड में गया था दोस्ती करने, लेकिन हुआ इसका उल्टा, उस फील्ड के लोग इसके दुश्मन बन गए। लुइस कार्लोस गैलन सार्मिएंटो ये कोलंबियन प्रेसिडेंटल कैंडिडेट थे जो पाब्लो के दुश्मन बन चुके थे, तो 18 अगस्त 1989 को पाब्लो ने गोली मारकर इनकी हत्या कर ली।
On 27 November 1989, एवियन का फ्लाइट 203 was destroyed by bomb. सोचा के ऊपर उड़ रही इस फ्लाइट में 107 लोग बैठे थे, जिसको पाब्लो एस्कोबार ने सिर्फ इसलिए उड़ा लिया था क्योंकि वो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट सीजर गिविरिया ट्रुजिलो को मारना चाहते थे, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये इस फ्लाइट में थे नहीं। पाब्लो ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए खुद की एक अलग आर्मी बना रखी थी जिसका नाम था सेकेरियोस, और इसने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर रखे थे सिर्फ अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। पाब्लो ने अपने जीवन में लगभग 4000 लोगों को मारा था, जिसमें से 200 जजेस थे और 1000 पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। 1992 में कोलंबिया में 28,237 मर्डर्स हुए थे। उस वक्त कोलंबिया मर्डर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गई थी। अब कोलंबिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था और उस समय के कोलंबियन प्रेसिडेंट थे सीजर गेवेरिया ट्रुजिलो, जो पाब्लो के फ्लाइट वाले हमले से बच गए थे। इन्होंने कोलंबियन सरकार की तरफ से पाब्लो को सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी, जिसके बाद पाब्लो ने कोलंबियन सरकार के सामने दो शर्तें रखी। पहली ये कि कोलंबिया यूएस के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का समझौता खत्म कर दे। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक देश अपने क्रिमिनल्स को यूएस के जेल में भेज सकता था। पाब्लो का मानना था कि यूएस के जेल में सड़ने से अच्छा है कि कोलंबिया की मिट्टी में मर जाऊं। दूसरी शर्त यह थी कि पाब्लो एस्कोबार अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा और इस जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। कोलंबिया सरकार के ऊपर इंटरनेशनल तो प्रेशर था ही, दूसरा पाब्लो का भी दबाव था, इसलिए उन्होंने इस बार पाब्लो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और जरा सोच कर देखो आप भी कि क्या पावर थी उस इंसान की जिसने देश के कानून को बदलवा दिया और बोला कि मैं खुद अपनी बनाई हुई जेल में रहूंगा तभी सरेंडर करूंगा। इस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। यह जेल किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं थी। क्या नहीं था इसके अंदर? स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, क्लब्स, एसी रूम, वाटरफॉल्स, एयरपोर्ट, सारी सुविधाएं थी इसमें। इस जेल में कैद होने के बाद भी पाब्लो ने अपना बिजनेस बंद नहीं किया, ये इसके अंदर से भी अपना बिजनेस चला रहे थे। इसीलिए ये सब कुछ खत्म करने के लिए और इसको हमेशा हमेशा के लिए रोकने के लिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो को इस जेल से शिफ्ट करने का फैसला किया। और जब पुलिस ऑफिसर्स को इस लग्जरियस जेल से लेने के लिए आ रहे थे तब पाब्लो को इस बात की भनक लग जाती है और वो अपने साथियों के साथ में इस जेल से फरार हो जाते हैं। इसके बाद अगले 2 साल तक इसको कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर यूएस और कोलंबियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। इस टीम के 600 आदमी पाब्लो को 24 घंटे ढूंढ रहे थे। अब हम उसी तारीख पर आ जाते हैं जो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। 1 दिसंबर 1993 पाब्लो का जन्मदिन था। 44th बर्थडे के सेलिब्रेशन चल रहा था तभी इसने अपने बच्चों और घर वालों से बस ऐसे ही बात करने के लिए कॉल मिला दी। जैसे ही इधर से कॉल गई सर्च ब्लॉक की टीम ने इसका फोन ट्रेस कर दिया और इसकी लोकेशन पता कर ली। ये मेडलिन शहर के किसी घर में छिपा हुआ था। तभी उस रात को वहाँ ये टीम पहुंच जाती है और उस घर को चारों तरफ घेर लेती है। एक ऑफिसर पाब्लो के ऊपर गन तान देता है और 3 गोलियां फायर कर देता है। इस बंदे का पैसा कहां कहां छुपा हुआ था वो सिर्फ यही जानता था। इसके मरने के बाद इसके भतीजे ने मीडिया को बताया था कि उसको पाब्लो के घर में एक दीवार के अंदर $18 मिलियन मिले थे। पता नहीं इस तरह से इसने अपना कितना पैसा और कहां छुपा रखा था। तो ये थी पाब्लो एस्कोबार की पूरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको इसी तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियो और चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको सारा स्कैम के ऊपर वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये वीडियो वाकई में बहुत ही माइंड ब्लोइंग है कि किस तरह से सुब्रत रॉय ने 0 से स्टार्ट करके और इतना बड़ा एम्पायर बना लिया था और किस तरह से वो अपना पैसा डबल करके लोगों को दे पाते थे। आपने सारा इंडिया स्कैम के बारे में सुना ही होगा। ये स्कैम कैसे हुआ स्टार्ट पूरा उसमें बता रखा है। बहुत ही माइंड ब्लोइंग वीडियो है, आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, उसको देख सकते हो। वेबरी बेट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।